दिस इज द हथियार दोस्तों जिनसे हम आलू निकालेंगे। तो ये मम्मी ने शायद नया बनवाया है क्योंकि इसकी चमक से पता चल रहा है कि ये नया बना है। और जो इनकी धार होती है ना, ये काफ़ी पैनी होती है। आलू खोदते टाइम ना बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि हमारी सारी मसल्स पेशियाँ जो भी हैं ना वो खिंचती हैं, क्योंकि हमें नीचे झुकना पड़ता है, फिर कुदाल चलाना पड़ता। मिकेंदी पहला बेटा बेबी आलू निकालो। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। अभी बच चुके हैं 9 दोस्तों, और सुबह का नाश्ता हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। और कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे दोस्तों क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो एग्ज़ाम पहले होने थे दोस्तों वो पोस्टपोन्ड हो गए थे, जिस वजह से मेरे ना कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे आज एक है, फिर कल दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। सुबह का सारा काम निपटा के अब हम खेत में जाएंगे। खेत में जाके हमने आलू खोदने हैं दोस्तों, क्योंकि ना बरसात के कारण हमारे आलू सड़ रहे हैं। जितनों ने भी आलू लगाए होंगे ना इस बार, तो उन सब के आलू सड़ रहे होंगे, तो हमें उन्हें ना टाइम से पहले खोदने पड़ रहे हैं। दिस इज द हथियार दोस्तों जिनसे हम आलू निकालेंगे। तो ये मम्मी ने शायद नया बनवाया है क्योंकि इसकी चमक से पता चल रहा है कि ये नया बना है। और जो इनकी धार होती है ना, ये काफ़ी पैनी होती है, उसको कूट बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में। तो आपके इधर इस हथियार को क्या बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो इस हथियार के बल से हम आलूओं को निकालेंगे, फिर उनको इस प्रकार के थैलों में भरेंगे, फिर बेचेंगे नहीं दोस्तों, वो हमारे लिए रहेगा। क्योंकि हम यहाँ जितना भी अनाज उगाते हैं वो हम सब अपने तक सीमित के लिए उगाते हैं, ज़्यादा बेचने के लिए, बिक्रीकर्ता के लिए नहीं होते। क्योंकि हमारे इधर रिश्तेदारी बहुत निभाई जाती है, जैसे बुआ को दे दिया, मौसी को दे दिया, ताऊ और जितने भी मामा मामा ये जितने भी हैं, इन सबको मतलब देते हैं हम, ऐसा बेचते नहीं। अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया हमारा तो हम दुकानों में बेचते हैं। फिर दुकानों में ऐसा होता है कि उनकी जो रेटिंग है वो कम भाव में जाती है, इसलिए हम सब अपने सीमित उसमें उगाते हैं। जैसे अभी ये आलू हो गए, तो आलू को हम जैसे दीदी हो गई मेरी, या भैया हो गए, या जो भी है मतलब बुआ वगैरह, वहाँ देते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इस तरीके से हमारा सारा अनाज बढ़ जाता है, और ज़्यादा हो गए तो हम उसे दुकान में बेच लेते हैं। तो फिलहाल तो अभी इस हथियार को लेके तो चलो चलते हैं हम खेतों में आलू को खोदने के लिए, और थोड़ा मेहनत कमाते हैं। चलो अभी हम अपने खेत में पहुंच गए हैं आलू खोदने के लिए। तो अभी हमारे आलू खोदने से पहले घास काटना रहेगा, क्योंकि जब तक हम घास नहीं काटेंगे तो आलू अच्छे से खोदे नहीं जाएंगे। तो अभी दीदी लोग और मम्मी लोग घास काट रहे हैं, तो मुझे भी इस सूट के बाद घास काटना है, यानी कि जो मम्मी लोगों ने काट के रखा उसे एक साथ इकट्ठा करना है। क्योंकि बारिश का मौसम होने वाला है ना।
दोस्तों अभी टाइम 11 बज चुके हैं और हमने आधा खेत खोदा है आलू का, और उसमें से कुछ आलू अच्छे निकले और कुछ आलू ख़राब निकले, क्योंकि इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही थी जिसके कारण मतलब जो हमारे आलू थे ना उनके अंदर पानी भर गया था। फिर क्योंकि उनके बोर्ड के रूप में मतलब मिट्टी विट्टी लगाते ना, तो उन मिट्टी में ज़्यादा पानी भर गया था। एक बोर्ड पे एक आलू अच्छा निकल रहा है तो फिर दो आलू ख़राब निकल रहे हैं। तो सबके सब लोग मतलब जितने भी है वो अभी मतलब अपने आलू खोद रहे हैं, ताकि मतलब आने वाले टाइम पर अगर वो खोदेंगे उन आलू को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जिनके ज़्यादा आलू लगे तो कुछ कुछ आलू खोद रहे हैं, हमारे नहीं लगे दोस्तों, तो हम उसको खोद ही रहे हैं। ना खाने से अच्छा कुछ खाना बेटर है। तो चलो अभी और काम करते हैं, क्योंकि हमें पूरा खेत खोदना है। वो पीछे दिख रहा है ना, उससे पीछे भी खोदना है। तो अभी हमसे तो एक खेत भी नहीं खोदा गया है, और देखते क्या होता है। तो आलू खोदने की शुरुआत हमने यहाँ से करी थी, और खोदते खोदते हम वहाँ तक चले गए आधा खेत। और इस बीच हमें भाई इतना थक गया था ना आदमी, मतलब पूरा एक लाइन खोदा, फिर दूसरा खोदा, फिर तीसरा, अब आधे में गए हैं। तो मम्मी वहाँ पे अभी खोद रही है, हम दोनों रेस्ट पे हैं। और साथ ही तेज़ धूप इतनी भयंकर लग रही है ना, सीधा खोपड़ी पे। आलू खोदते टाइम ना बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारी सारी मसल्स पेशियाँ जो भी हैं ना वो खींचती हैं, क्योंकि हमें नीचे झुकना पड़ता है, फिर कुदाल चलाना पड़ता है। तो जिन जिन लोगों ने आलू खोदा होगा ना, उन सबको पता होगा कि किस तरीके का दर्द होता है दोस्तों। अभी तो पता नहीं चलेगा, जब हम सुबह उठेंगे तो जब हाथ पैर ऐसे अकड़ जाएंगे ना तब पता चलता है हम किस समय से वीडियो ही बना रहे। तो मम्मी का कहना है कि मम्मी कहती बेटे बेबी पहले आलू निकाल लो, फिर जब मर्जी वीडियो बना लो। फिर से हम वीडियो बना रहे हैं, मम्मी इतनी कूट कूट के गालियाँ दे रही ना कि भाई बेटा क्या कर रहे हो तुम। तो मम्मी के गाने को हमने बोला कि मम्मी कहती कि मम्मी कहती पहले बेटा बेबी आलू निकालो, फिर जब मर्जी वीडियो बना लो, पर हमें छक नहीं हो रही वीडियो बनाने के। वीडियो बना बना के हमें छक ही नहीं हो रही है भाई साहब, मतलब जब तक स्टोरेज फुल ना हो जाए ना तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं आती हमारी आत्मा को। तो अभी तो हमने आधा जो खेत रह गया था ना उतना ही तक खोदा है भाई, उससे आगे हाथ निकल ही नहीं रहे हमारे। खेतों से हम आधा घंटा पहले आ गए थे, तो जो भी हमने आलू खोदे ना तो कम से कम एक कट्टा हुआ है। अभी दूसरा खेत नहीं खोदा हमने, इस बार बारिश होने के कारण ना आधे से ज़्यादा आलू हमारे सड़ गए थे, तो जो एक कट्टा हुआ था वो सीधा सामने रखा हुआ है। और इससे पहले मैंने खाने की तैयारी कर ली थी, और थोड़ी सी पुदीना की चटनी पी सी, मतलब ताकि खाने में टेस्ट अच्छा आए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया हो, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपको ऐसे ही पहाड़ से रिलेटेड आपको वीडियो आती रहेंगी, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी नेचर और पहाड़ियों का रूटीन कैसा कैसा होता है। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।